press the bell icon for all the updates. शाहिद कपूर ने मीरा राजपूत को दिया वैलेंटाइंस का एक यूनिक तोहफा। पिज्जा की बस एक फोटो शेयर कर किया शाहिद ने मीरा को खुश। दीपिका पडुकोण ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया एक स्ट्रॉन्ग मैसेज। उनके एक इमोशनल फोटो के साथ पोस्ट की एक डीप थॉट। Nykaa.com फेमिना ब्यूटी अवार्ड 2018 पर देखने मिला ऐश्वर्या राय बच्चन का जलवा। इवेंट पर रेखा, मलाइका अरोरा, अदा शर्मा, अर्जुन कपूर सहित कई सितारों ने चार चांद लगाई। रणधीर कपूर ने 15 फरवरी को मनाया अपना 71st बर्थडे। बेटी करीना कपूर खान, करिश्मा कपूर ने पूरी फैमिली के साथ किया डिनर। ओरू अडार लव एक्ट्रेस प्रिया प्रकाश वैरियर के हैं मिलियंस एंड मिलियंस दीवाने, लेकिन प्रिया है दीपिका पडुकोण की दीवानी। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि वो किसी दिन दीपिका पडुकोण के साथ काम करना चाहती है। शाहिद कपूर की 37th बर्थडे पार्टी नहीं होगी ग्रैंड। 25 फरवरी को शाहिद अपने परिवार और मीरा के परिवार के साथ रिवर ब्यास के पास सत्संग अटेंड करेंगे। बता दें कि शाहिद और मीरा की पहली मुलाकात राधा स्वामी सत्संग में हुई थी। अक्षय कुमार ने मुंबई के वेस्टर्न रेलवे के मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर लॉन्च की पैड वेंडिंग मशीन, पैडमैन का किया प्रचार। अनिल कपूर और सोनम कपूर एक साथ नजर आएंगे फिल्म एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा में। फिल्म की रिलीज डेट हुई अनाउंस 12 अक्टूबर 2018। फिल्म में जूही चावला और राजकुमार राव भी होंगे। बीइंग ह्यूमन एनजीओ को लेकर सलमान खान पड़े मुसीबत में। मुंबई महानगर पालिका में बीइंग ह्यूमन को किया ब्लैकलिस्ट। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बीइंग ह्यूमन को पाली हिल बांद्रा में 24 डायलिसिस मशीन लगानी थी, लेकिन बैंक की गारंटी देने के बावजूद भी प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ। फाइनली अय्यारी हुई रिलीज। फिल्म को लेकर बॉलीवुड नाउ ने जानी नामचीन रिपोर्टर्स की राय और क्रिटिक्स की भी जानी ओपिनियन। मूवी अच्छी लगी, थोड़ी लेंदी लगी। बहुत अच्छी फिल्म है, एज यूजुअल नीरज जी की जैसी फिल्में होती है। अच्छी है, मूवी बहुत अच्छी है। थोड़ी लंबी है पिक्चर काफी, और थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है।